नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति नालंदा लोकसभा चुनाव को लेकर है। इस वक्त हमारी उपस्थिति इमादपुर में है, बूथ नंबर संख्या 76 में। और ऐसे में टाइम भी हो चुका है, फेस 7th फेस का जो है चुनाव हो चुकी है। और ऐसे में आम तमाम जनता देख सकते हैं किस तरीके से क्या रुझान रही है, किस मुद्दा को लेकर चुनाव का वोटिंग किया गया है। चलिए लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? तनवीर अंसारी नाम हुआ। क्या मुद्दा रहा सर इस बार? मुद्दा तो जो तेजस्वी यादव ने बोला था और राहुल गांधी ने जो बोला था, वही मुद्दा रहा। लोगों में उमंग रहा कि आपके अगर के नौकरी लेना है, इस नौकरी पर लोग वोट किए हैं। तो मोदी जी की लहर नहीं चली क्या? नहीं, मोदी जी का लहर तो अगर पूरे हिंदुस्तान में नहीं चली है। अब बिहार में तो तेजस्वी यादव पहला ऐसा एक नेता रहा जो 251 सभा कर करके दिखला दिए। जो उन्होंने वादा किया है वो वादा पर पहले भी उतरे थे, उम्मीद करते हैं कि इसके बाद भी वादा पर उतरेंगे। पिछले बार भी तो लोगों का रहा है कि बहुत जनसभा किए थे मगर जीरो पर। नहीं नहीं, इस बार जनता में मोदी जी का ठग देख चुके हैं। वादा जो झूठा मोदी जी ने वादा किया था 10 साल में, उनको देख चुके हैं। अब रहा, अब यहाँ का जनता नहीं देखेंगे। हमारे जो क्षेत्र के जो नालंदा जिला के आपके यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री का जिला, इस जिला में आपके अगर के कौशलेंद्र 15 साल से एमपी बन करके रह चुके हैं, लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में एक भी कोई भी शिलान्यास नहीं कर चुके हैं 15 साल में, एक भी योजना नहीं दिए थे। इसके विरोध पर आपके अगर के यहाँ का जनता अपना वोट करने का काम कर रहे हैं। आप बोल रहे कौशलेंद्र कुमार जी 15 सालों से लगातार जीत रहे हैं सांसद, तो वो कैसे जीत रहे हैं जब तो विकास नहीं किए हैं? अरे 2014 में जब चुनाव हुआ था, कौशलेंद्र को यही आपके यहाँ के लोग जिताने का काम किए थे। मात्र 10,000 वोट से जीते थे कौशलेंद्र कुमार। और आज 2002 जब उस टाइम लोगों ने एक तरफा वोट किए और कौशलेंद्र को लाने का काम किए थे। और आज जब कौशलेंद्र जब जीतने के बाद जब जाते हैं अपने क्षेत्र में, तो आज क्षेत्र का विवरण नहीं करते हैं। और ये नौबत है कि आज विकास नहीं हो पाता है यहाँ से। चलिए इमादपुर का देख सकते हैं, तमाम जनता हमारे साथ में है, जुड़े हुए हैं और उन लोगों से भी बात करने के प्रयास करेंगे, क्योंकि युवा जो है रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। युवा जो है भविष्य कहे जाते हैं, क्योंकि युवा ही देश के कुछ प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो आने वाले समय में IAS IPS भी बन सकते हैं। तो ऐसे में युवाओं से बात करेंगे। आइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? काहे डर रहे हैं, कुछ दिक्कत है क्या? मोहम्मद परवेज मुशर्रफ। अरे कोई दिक्कत है तो फिर भाग कह रहे हैं आप? मोहम्मद परवेज मुशर्रफ। वोट दिए हैं आप लोग? जी वोट दिए। क्या मुद्दा था आप लोग का? ठीक है। अरे ठीक मुद्दा क्या था आपका? ठीक तो पूरा दुनिया ठीक है, मुद्दा क्या था आपका? विकास। विकास और क्या, विकास चाहिए। विकास विकास हो जाएगा तो लग रहा है कि वो रोजगार रोजगार के बात हुआ हो। जी जी। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुआ। हाँ, इमादपुर से रहने वाले हैं। लालू यादव ने बोला है कि सरकारी नौकरी मिलेगा, गरीबी दूर होगा। और यहाँ पे चलिए, इस बार जाने से पूछे क्या मुद्दा लेकर आप लोग इस बार वोट किए सर? इस बार जो मुद्दा चला है वो बेरोजगारी, महंगाई और जुमलाबाजी से। मोदी जी का जुमलाबाजी चला 14-10 साल। मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री ने कहा, उसको एक अच्छा एक्टर बोला जा सकता है। जिस तरह को उनको एक्टिंग करने लगा, ये एक्टिंग कर देते हैं। तो 10 साल जनता को उन्होंने फंसा दिया, 10 साल तो जनता को पूरे तरह से उन्होंने फंसाया। लेकिन इस बार उनके किसी तरह कोई हवा नहीं है। इस बार सिर्फ जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, इन चीज़ों पर जनता ने वोट किया है। इस पर लगता है मोदी जी का जिस तरीके नारा दिए 400 पार 400 पार, और आप बोल रहे हैं मोदी जी के लहरे नहीं है। ठीक तो बोल रहे हैं मोदी यार, जरा सा गलती कर रहे हैं वो। 400 हार बोलना चाहिए उनको, जरा सा पार कर दिए वो, पीछे जाएंगे वो, आप आगे कर दिए हैं। पार का पार वो नहीं जाएंगे, वो पीछे जाएंगे। एक हुआ अगर कोई छलांग लगाना है कि हमको ये नदी पार करना है, तो पार नहीं जाएंगे, बैक चले जाएंगे, बैक गियर लग जाएगा उनके। बस यही उनसे गलती हुई है, और कोई गलती तो क्या है? 400 पीछे। मोदी जी से इतना नाराज आप लोग? नाराज नहीं है तो भाई, बात तो बता दी आपको। उनको मोदी जी हम लोग को बेवकूफ़ी समझ रहे थे। इतने 15 लाख रुपये आपके अकाउंट में डालेंगे, 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे साल में, कहाँ गया उनका? ये सिलेंडर का रेट तो उस ज़माने में 500 रुपया था, 450 से 500 हुआ, तो आदमी चिल्लाते थे, ऐसी सुनीति रहती, चिल्लाती थी। आज 1200 रुपया उनके मुंह में कहाँ गया? जबान ख़त्म हो गई, उनके मुंह से जबान गायब हो गया। तो ये तो महंगाई है ना, जनता कहाँ से पूरा करेगी? तो इस बिना पे लोगों ने जो राहुल गांधी ने नारा दिया है,
राहुल गांधी जो विपक्ष का, उन लोगों ने नारा दिया है इस बार, उसी पर खटाखट जो 8,500 रुपया जो पर मंथ जो जुलाई से आएंगे उन लोगों के बाहर आएंगे, साल का 1,00,000 रुपया आएगा, प्लस महंगाई को उसको दूर करेंगे उस पर। लगता है तेजस्वी यादव का खटाखट और फटाफट में आप लोग भी। तेजस्वी यादव एक नया युवा लड़का है और उसकी बात को पर लोगों को 100% भरोसा, इसलिए भरोसा उन्होंने कर दिखाया। जो 17 साल में आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं किए, वो 17 महीने में 5 से 7 लाख लोगों को नौकरी दे दिया, तो उसमें उन लोगों को ये कर दिया, इसलिए उन पर विश्वास है कि 5 से 7 लाख लोगों को नौकरी दिया है, तो इस बार उन पर पूरा हम लोगों को भरोसा है। बिल्कुल, चलिए चलिए आम लोगों से बात करने के प्रयास करेंगे। पुलिस प्रशासन कैसा रहा मुस्ते जी? बहुत बढ़िया था और वोट यहाँ पे लगभग 50% से 60% के बीच हो चुका है और परिवर्तन कर रहा है। जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो परिवर्तन होता है और नालंदा में परिवर्तन तय है। चलिए धन्यवाद।